तो यार लास्ट वीडियो हमने देखी थी स्टनिंग इंडिया, जिसमें दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन्होंने दिखाया था, जो हमें बहुत पसंद आया था। अब ये एक और वीडियो मिल गई है, टाइटल है इनक्रेडिबल इंडिया 4K बियॉन्ड द स्टेरियोटाइप्स द रियल इंडिया। भाई देखते हैं, यार प्ले करें। यार समंदर किनारा कितना साफ कर दिया। की डल बना दे आप क्या नजारे देखते बैठते मिलते हैं। साउथ अफ्रीका लग रहा है सर। ये यार तो आप तो इंडिया है या कुछ मिक्स कर दिया है भाई। हाँ हमें जो नहीं बनाते ये कौन सी जगह है। काल का भाई घर है तीर्थ वाला। एक दो मिनट ये वर्ल्ड का इंडिया है लोग ये बेस्ट मामला है। तमिलनाडु
वाह यार अमेजिंग यार, ये मुझे वो एक गाना हमने सुना था उसकी एक लाइन याद आ गई, वो था कि देश का कोना कोना हम सजाएंगे। भाई मान गए, आज आपने देश का कोना कोना सजा दिया यार। कुदरत के नज़ारे तो नज़ारे, बट इनके अपने जो काम है ना बनाए हुए भाई, हर चीज़ में यार बेस्ट। मतलब मुंह का खुला रह गया था जैसे ही भाई, हर सेकंड में नज़ारा बदल रहा था, हर सेकंड में। कभी बर्फ़ आ रही थी, कभी पहाड़, कभी झरने आ रहे थे, कभी सरसब्ज पहाड़। भाई क्या तारीफ़ करें हम, भाई इंडिया ने तो हमें हैरान कर दिया। हमने बहुत सारी बीच में हमने जगह ऐसी देखी जो हमने व्लॉग्स हमने देखे थे, बट आज का जो ये ट्रेलर जिन्होंने दिखाया ना पूरे इंडिया का, यार मान गए यार, मतलब एकदम हैरान कर दिया। क्या इंडिया को इन लोगों ने बना दिया यार। ये हमारे पॉलिटिशियन देखे ना यार, सुधर जाए कसम से यार। हमारा पाकिस्तान भी खूबसूरत है, बट उनको बनाना चाहिए ना यार। क्या बात थी यार आज की वीडियो में, यार मैं तो एकदम हैरान हो गया यार, मेरे पर अल्फाज नहीं। इतनी यार कुदरत के हमने नज़ारे देखे, सुबह ना था यार, मज़ा आया। तो हम तो हैरान हो गए। पहले तो भाई हम देख रहे थे उनके वर्ल्ड के नज़ारे हैं भाई, जब भाई नामों पर फोकस किया था भाई, ये इंडियन महान देश है भाई, ज़बरदस्त भाई। दिल कह रहा था कि हम भी वहीं पर इस नज़ारों में ही रह जाएं भाई, कितनी आँखों को सुकून देने वाले नज़ारे थे भाई, क्या ठंडक थी। अभी ये तो उनके पास रियल में है भाई, हम तो भाई देख रहे थे मूवी में, बाकी इनके पास तो सच में है भाई, जिसका दिल चाहे वहीं पर जा सकता है भाई। क्या नज़ारे थे, ये जो बनाने वाला है ये तो भाई बड़ा खुश नसीब है भाई, क्या इनको देश मिले हैं भाई। हर कोई पॉलिटिशियन अपने भाई जो भी उसका स्टेट है भाई उसको सजाने में लगा हुआ है, हमारे यहाँ बिगाड़ने में लगे हुए, इनका भाई सजाने में लगे हुए। एयरपोर्ट देखा पहले तो भाई वो सुपर था, अभी ये जो कुदरत के नज़ारे थे ना भाई सुपर भाई यार। नाउ रिलैक्स भाई, हम रिलैक्स कहाँ करें यार, ऐसे दिखा के हमें पागल कर दिया भाई, सुकून भाई सुपर, बड़ा ज़बरदस्त आपने ये अपने देश को बनाया भाई, मानना पड़ेगा इसमें आप इंडियन वालों के लोगों का हाथ है भाई, और किसी का नहीं है, ग्रेट बंदे भाई, ज़बरदस्त। ये भारत पूरे का पूरा भाई हमने देखा, खूबसूरत एक से एक नज़ारे थे, सारे के सारे जो कुदरत के ना नज़ारे नेचुरल भी थे, और जिन इन लोगों ने मेहनत भी की है अपने मुल्क के लिए, वतन के लिए। तो लोग जाते हैं पैसे भरने के लिए कनाडा अमेरिका घूमने के लिए, हमारा दिल करता है तो हम आए वहाँ पर इंडिया में घूमने के लिए। पूरी ज़िंदगी हमारी गुजर जाएगी मगर इंडिया को हम पूरे का पूरा घूम नहीं पाएंगे यार, कमाल का है, मज़ा आ गया देख कर यार। नरेंद्र मोदी ने भाई अपडेट कर दिया है इंडिया का भाई, फुल न्यू कर दिया है भाई, मैं तो हैरान हो गया हूँ, कैसे क्या देखूँ भाई मैं। मेन बात यह है कि मोदी जी की जो गवर्नमेंट है ना वो अभी तक बहुत सारी स्टेट में नहीं है, तमिलनाडु में भी मोदी जी नहीं है, और कर्नाटका में भी अलग गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र में अलग है, दिल्ली में भी केजरीवाल की सरकार है। तो मतलब हर जो स्टेट का जो सीएम है वो अपनी स्टेट को तरक्की पे तरक्की दिला रहा है, ये बड़ी बात है। हमारे यहाँ वो जेलेसी है कि भाई ये नून लीग वालों ने ये तरक्की के काम किए ना, इनको पीछे कर दो, हमारे काम करो, हमारा नाम हो। तो भाई इस तरह नहीं होगा ना, एक साथ मिलकर चलना होगा तभी देश आगे जाता है, और इस तरह ये इंडिया वालों ने मुमकिन बना के दिखा दिया। बड़ा अच्छा लगा यार, हमें रश कर रहा है कि काश हम 1947 में हमारे एल्डर्स जो परदादा थे वो इंडिया जाते, बड़े जो ये मज़ा आ गया वीडियो, थैंक यू।